चल रहे शुभारंभ करते हुए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति हमारे भाई प्रवीण कालरा जी ने अभिनंदन काटकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया है और गणपति बप्पा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपके सामने आया है मेहरौली में और पुष्पमाला अभी हमारे भाई प्रवीण कालरा जी ने गणपति बप्पा को चढ़ाई है और अभी कुछ ही पलों में आरती आपके बीच में प्रारंभ होने वाली है। ओम चंद्रमा चंद्रमा माने हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई प्रवीण कालरा जी का स्वागत करेंगे मनोज शर्मा जी। इंदु भाभी जी भी कृपया मंच पर आ जाएं। इंदु शर्मा जी वही तो कह रहा हूँ भाभी को कैसे जो भी सदस्य मेरी आवाज सुन रहे हैं इस पंडाल में है वो सभी मंच पर आएंगे। इंदु शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारी भाभी जी आरती जी का स्वागत करेंगी। अब जोरदार तालियां बजाकर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। मनमोहन ओबराय जी से निवेदन करूंगा कि वो भुगतान समाज कल्याण संस्था के महासचिव संजीव चावला जी का स्वागत करेंगे। मनमोहन ओबराय जी अच्छा चावला जी से निवेदन करूंगा कि वो भाभी जी का स्वागत करेंगे। नीतू चावला जी का योगेंद्र भारती जी से निवेदन है आप उमेश सेठी जी का स्वागत करेंगे। योगेंद्र जी वरुण बंसल जी हरीश अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। और हमारे सभी सदस्य एक बार साथ में आ जाएंगे और हमारे आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। एक फोटो लेंगे सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर हमारी पूरी टीम की ओर से हमारे आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत। सभी स्वागत नहीं कर पाएंगे तो इसलिए एक जुट होकर सभी यहाँ पर मंच पर हैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति और सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान जो है प्रवीण कालरा जी से वो दो शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई प्रवीण कालरा जी गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मैं मनोज शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को फ्रेंड्स क्लब को पूरी समिति को अपनी तरफ से मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने गणपति पापा को विराजमान किया और हर वर्ष करते हैं। भगवान इनको बल शक्ति दे हर वर्ष और बड़े से बड़ा प्रोग्राम करें। तो हमारी पूरी संस्था की ओर से फ्रेंड्स क्लब को शुभकामनाएं मनोज शर्मा जी को लवकेश चावला जी को पूरे क्लब को धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई मनोज शर्मा जी जो हमारे संयोजक हैं वो आए हुए अतिथियों का स्वागत दो शब्द कहकर हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। धन्यवाद लवकेश चावला जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा फ्रेंड्स क्लब बहुत ही ये किसी संस्था की तरह से नहीं हमारे परिवार की तरह से है और पिछले 9 साल से हम यहाँ पर गणपति बप्पा मौर्य का ये 9 दिन का उत्सव बनाते हैं और 10वें दिन विसर्जन के लिए जाते हैं बप्पा को छोड़ने के लिए नम आंखों से। और प्रवीण कालरा ये मुख्य अतिथि मैं नहीं मानता, मेरे छोटा भाई है ये और हमारे परिवार का भाई है। कभी भी मुझे
12 महीने 24 घंटे कभी भी मुझे आवश्यकता पड़ती है किसी भी तरह की, या इन्हें मुझे जरूरत पड़ती है, हम इकट्ठे रहते हैं दोनों एक दो जिस पे दान की तरह से इकट्ठे रहते हैं। तो आज हमारे मंच पे आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मंच पे आपने देखा होगा कुछ सदस्य हमारे बीच से आज हमारे बीच में नहीं है, वो परलोक सिधार गए, पर हमने उनको भूले नहीं है क्योंकि वो हमारे सदस्य हैं। आज हमने उनको भी इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करी है और मैं चाहता हूं कि वो प्रभु से कामना करता हूं कि वो जहां भी हैं प्रभु उनको और अच्छे तरीके से उनको आगे आगे बढ़ाए और अच्छी जगह उनको कहीं रखे, ये मेरा प्रभु से निवेदन है। और उनके परिवार को भी जो वो दुख छोड़ के पीछे गए हैं उनको भी दुख सहने की बहुत बड़ा दुख होता है, परिवार के सत्संग जाता है, उनको भी शक्ति प्रदान करें और उनकी कमी महसूस ना हो, ऐसा प्रभु से मेरा कामना है। और इस मंच के माध्यम से मैं गणपति बप्पा मौर्य के चरणों में ये अरदास लगाता हूँ कि जो भी अतिथि जो भी हमारे सदस्य है इस क्लब के अंदर अपना योगदान देते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो समय के रूप में, समय का योगदान भी बहुत बड़ा होता है, सबके पास शक्ति नहीं होती आर्थिक रूप से मदद करने की, पर अपना समय जो देता है वो भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं उन सबका गणपति बप्पा से कामना करता हूँ कि उनको धन धान्य सुख समृद्धि भरपूर तरह से उनकी उनको प्रदान करें, यही मेरी प्रभु से कामना है। और मैं आशा करता हूं कि हम आपके सहयोग से हम निरंतर यहां पर आदमी बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, काम चलता रहेगा, चिंता मत करो। आप सबको यहां पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारे मंच के माध्यम से मिले, यही मेरी प्रभु से कामना है। और आपके बीच में बहुत लंबा दो शब्द बोलने के लिए बोला था, लंबा बोल गया हूं, भावो होके। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, जय हिंद जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।